नेशनल फिल्म अवार्ड 97। गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं उमर शरीफ। जज्बा हुब्बुल वतनी, नेक नियती और कुव्वत बर्दाश्त से आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। रब ताला आपकी इस मेहनत को रायगा नहीं देगा और इंशाल्लाह अगले साल आप लोगों को भी नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। नेशनल अवार्ड की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, सबसे पहले मैं इंतहाई मौजूद मेहमानों को सलाम कर लूँ। हमारी फील्ड के जो मिनिस्टर हैं, इंतहाई मेरे फेवरेट मिनिस्टर हैं और हर दौर में इनकी गुफ्तगू बड़ी ही जानदार, और मैं बहुत पढ़ता हूँ इनके बयान, और मेरे बहुत फ़ैन होंगे, लेकिन मैं शेख साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। मेरे से बड़ा इनका कोई फ़ैन नहीं होगा। मैं भी कभी मिनिस्टर बना तो इंशाल्लाह इसी तरह बनूँगा, इंशाल्लाह मैं इनको फॉलो करूंगा इंशाल्लाह सियासत। हेलो जी, डर के माइक बंद ना करो, ये जमहूरियत है। यहाँ जिस तरह का मैं देख रहा हूँ, जो भी फनकार आए हैं, स्पेशली मैं नदीम साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी इतनी पूरी ज़िंदगी पर उन्हें उनकी ज़िंदगी में ही अवार्ड मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक खुशाइंद बात है, और हकूमत जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो इस बात पर इंतहाई मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने कम से कम फनकारों को उनकी ज़िंदगी में अवार्ड को वसूल कर दिया, वरना अक्सर फनकारों के बच्चे ही अवार्ड वसूल करते रहे। यहाँ जिसे भी अवार्ड मिला है उसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि उनमें से मैक्सिमम जो अवार्ड विनर्स हैं उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, सैयद नूर का किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम उन्हें खौफ हिदायतकार तो है। जिया मुहिद्दीन साहब को जिंदा देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी वजह यह थी कि मैंने इन्हें देखा ही आज पहली दफ़ा है, वजह लाइव, यानी लाइव देखा है। वैसे तो मैं पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इनकी जो है शख्सियत की प्रस्तार है। इतनी खूबसूरत अंदाज में उर्दू बोलते हैं, उर्दू को ज़िंदगी दी हुई है, वरना सब तो उसे मारने पे तुले हुए हैं। ये एक इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते थे, और मैं इनका प्रोग्राम बहुत छोटा होता था, मैं को इतना बड़ा नहीं हूँ जिया साहब, तो मैं यकीन कीजिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता था जिया मोहिद्दीन शो, मैं बड़ा उसको इन्जॉय करता था, बहुत अच्छा उसमें इनका एक अंदाज़ बड़ा खूबसूरत था। जैसे अभी आपने आकर के बात की कि मैं मुंतज़मीन से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये खूबसूरत अंदाज को जब ये बोलते थे मैं इतना मुझे प्यार आता था, और आज मैं इंशाल्लाह यहाँ से उतर के प्यार करके ही जनाब को जाऊँगा। अखबार वाले चाहें तो इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं और इसको सेंसर भी नहीं किया जाएगा। मुझे एक खुशी और अच्छी हुई यहाँ पर कि यहाँ पर जितने हीरो भी आए उन्होंने बहुत खूबसूरत डांस किया, और लड़कियों की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं मोमर राना से मुस्तकबिल में रीमा की सलाहियतों की उम्मीद रखता हूँ। सेंसर वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बड़ा दिल था मैं पहले सेंसर में चला जाऊँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा पता क्या होता है, हम सब कुछ देख कर ना किसी के देखने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। गुड जॉब, गुड जॉब। और हम कुछ सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं वो हम बार बार चला के देखते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता, उसको फिर मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है बार बार। यहाँ पर जो है मैं अभी ड्रेसेस में मैं देख रहा था कि ड्रेसेस के भी कुछ अवार्ड्स हैं आई थिंक, तो यहाँ पर मैं देखा मुझे अभी बीजी भी नज़र आई थी, खूबसूरत ड्रेसेस बनाती हैं। लड़कियों में झगड़ा होता है इनके ड्रेसेस पर, कुछ भी हो
जनाजा हो, लड़के इनसे ड्रेस बनवाते कि मैंने फला मैयत पे जाना है, प्लीज़ उस शख्सियत के हिसाब से बना दें। और बीजी जितनी मकबूल हो चुकी हैं जिंदा लोगों में, मुझे इनकी मकबूलियत से ख़तरा हो रहा है कि एक वक्त आएगा कि हमारे स्टार्स जो हैं ये जो कफन भी इनसे सिलवाएंगे और इनकी पब्लिसिटी भी आया करेगी, बीजी के कफन ठंडे, गर्मी से बचाएं, दोजख की आग से बचाएं, आपके आपके गुनाहों को छुपाएं, बीजी के कफन। आजकल क्योंकि पाकिस्तान में गेम्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है, और जनाब हमारे जो शेख साहब हैं मेरे फेवरेट, वो इस वक्त स्पोर्ट्स के भी जनाब रुए रमा हैं, मिनिस्टर हैं, हॉकी टीम पे नज़र सानी करें सर। जब भी मैं पाकिस्तान की हॉकी टीम का नाम लेता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पतले पतले काले काले। हमारी टीम मगरबी जर्मनी के सामने जाती है ऐसा लगता खून का हथिया लेने के लिए आए। एक हॉकी हाथ में है, दो हॉकी नेकर में से निकली हुई है, तीन तीन हॉकियों से खेल रहे हैं, गोल नहीं कर रहे। एक जमाना था हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी जीत जाती थी। रूना लैला यहां तशरीफ फरमाया, उनको देख के मुझे बांग्लादेश याद आ गया कि एक हमारी टीम उस जमाने में खेलते थे अख्तर रसूल, मंजूर जूनियर, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, इस्लाहुद्दीन, हनीफ खान, हसन सरदार, ये वो प्लेयर्स थे जो ग्राउंड में उतरते थे जीत जाते थे। बांग्लादेश से हमारा मैच हुआ, 25 गोल कर दिए, वो बंगाली कैप्टन रोने लगा, बोला भूत गुल हो गया है, 25 गोल भूत हो गया है, हमारे को इस बात का गम नहीं है कि 25 गोल हो गया है, हमारे को इस बात का दुख है कि हम अल्लाह रसूल को वास्ता दिया एक दफा गेंद नहीं दिया है। वो हमारी टीम की उस जमाने में खेलने का अंदाज था। उस वक्त हमारी टीम में एक करंट था, एक बिजली थी हमारी टीम में, जो कमेंट्री करता था तो वो पागल हो जाता था, उसके मुंह में फेफड़े आ जाते थे, इतनी टीम तेज खेलती थी, कमेंटेटर पागल हो जाता था। गेंद खूबसूरत मामला पाकिस्तान, गेंद खूबसूरत मामला कान के समोला, खूबसूरत पाकिस्तान की तरफ गेंद को लगे चले बहुत उम्र पाकिस्तान, और समा पाकिस्तान को फिर हिट मिले पाकिस्तान, गेंद के करीब पाकिस्तान की पास दिया हनीफ खान, खूबसूरत हसन सरदार, फिर वापस समीला पे कलमुला, अल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह पे कलमुला, कलमुला पे समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, समीला पे कलमुला, खूबसूरत पाकिस्तान गेंद को लगे हनीफ खान, बहुत भाई गेंद पर सलीम शेरवानी, ये किसने फेंका पानी रानत तुम्हारी छगलो पे, समीला पे कलमुला, कलमुला समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला पाकिस्तान गेंद को पोजीशन और बहुत खूबसूरत पाकिस्तान गेंद करके की पोजीशन, गेंद में हनीफ खान, खूबसूरत पाकिस्तान समीला पे कलमुला, अल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह पे कलमुला, कलमुला पे समीला, मिले चाय लेके आया समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, समीला पे कलमुला, मेरे मेरे जूते यहीं पे आया समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, पाकिस्तान को लगाने पोजीशन में खुशमान पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान गैप के करीब आ रही है, पाकिस्तान पतुल छोड़ दीजिए समीला पे कलमुला, भैया पलट जाओ पीछे हो जाए समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, पतुल छोड़ समीला पे कलमुला, पाकिस्तान को लगाने पोजीशन में आ रही है खुशमान पाकिस्तान, समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, समीला पे कलमुला, कलमुला पे समीला, दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। और अब शेख साहब ज़रा ज़हमत कीजिएगा, अब मौजूदा टीम पे नज़र डालिएगा, अब कमेंटेटर जो है वो 15-15 मिनट के बाद टीम का नाम लेता है, गेंद इस वक्त जो है वो शबाज सीनियर के पास है, वो गेंद को लेके चले, उनसे चला नहीं जा रहा है, वो बैठ गए हैं उनसे उठा नहीं जा रहा है, उन्होंने गेंद उठा के नेकर में छुपा लिया है, मैच रुक गया है। यकूब जिक्रिया ने बड़ी मिस्टेक की, अगर ये गेंद को ऊपर से घुमा के लाते, डी के टॉप पे रखते, हल्का सा पुश करते और गोल पीकर से कहते ज़रा इधर हो ना भाई, तो 100% गोल था। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।